चल भाई कुछ तो फायदा हुआ इसको उठाने का। तो है गाइस वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे 3, तो मैं ऐसे ही कहीं जा रहा था, तो जाते जाते मेरे को फ़ोन आया अभिषेक का, तो क्योंकि अभी बजने वाले 3 तो उसका कॉलेज का छुट्टी हो गया, तो ऑफकोर्स क्यों फ़ोन आएगा। उसने बोला कि भाई कहाँ है, मैंने बोला कि यहीं हूँ तेरे कॉलेज के साइड में मैंने बोला। तो उसने बोला भाई अगर फ्री है तो मुझे पिक कर ले, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है पिक कर भी लेता हूँ। ऐसे मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना लूँगा क्योंकि ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ है। तो भाई वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग, तो चलते हैं उसको पिक कर लेते हैं। तो धूप भी बहुत ज़्यादा है यार, मैंने क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, तो मेरे को लगा था कि पूरा ठंडी होगा, गर्मी तो होगी नहीं, लेकिन गर्मी लग रही है। अगर आप लोग छाव में रहोगे ना तो छाव में तो गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे धूप में जाओ इतनी ज़ोर से धूप लगेगी। गर्म हवा नहीं है, सिर्फ गर्म धूप है, गर्म के चटके लग रहे हैं, चटके। मैं तो अभी जस्ट नहा के बाहर निकला था, पूरा नहा धो के एकदम सेट होके बाहर, और यहाँ थोड़ी बहुत ट्रैफिक आजकल मेरे को थोड़ी बहुत ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है, पॉल्यूशन आजकल मेरे को थोड़ी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। कैसी ट्रैफिक, कैसी, यही मेरे लिए ट्रैफिक है। आप लोगों के लिए तो मेन हाईवे पे मिलती होगी, मेरे लिए तो यही है। तो अभी चलते हैं उसको पिक कर लेते हैं। हाँ उसका उसका कॉलेज ना यहाँ से 1.5 किलोमीटर, हाँ 1.5 किलोमीटर होगा, तो वो पैदल ही जाता है। मैंने बोला भाई गाड़ी ले ले गाड़ी, तो अभी चलते हैं उसको पिक करते हैं। जैसे अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ उससे पहले ना अभिषेक का कॉल आया, जैसे कॉल आया तो वीडियो कट गया। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब भी कोई भी वीडियो शूटिंग के व्लॉग शूट करने के टाइम पे कोई फ़ोन करता है ना तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अगली बार से जब भी व्लॉग बनाऊँगा ना तो एयरप्लेन मोड पर डाल दूँगा ताकि किसी का कॉल ना आए और व्लॉग कंटिन्यू रहे। फिलहाल टाइम बिना वेस्ट किए चलते हैं उसको पिक करते हैं। बोल रहा है भाई जल्दी है जल्दी, 2 मिनट पहले कॉल किया फिर से कॉल करके बोल रहा है भाई जल्दी है जल्दी, चलते हैं उसको पिक कर लेते हैं। अपना बंदा है यार, इतना तो बनता है उसके लिए। चलो तो मैं तो उसके कॉलेज की तरफ आ गया एंड मैंने उसे बोला कि तेरा कॉलेज है ना तो उसके सामने आ जाना जहाँ पानी पूरी लगता है। तो आप लोगों को याद होगा जहाँ मैं पानी पूरी खाता ना उसका यहाँ वो मैंने उसका यहाँ घर है, तो वहाँ यहाँ भी एक पानी पूरी लगा दिया। तो मैंने उसे बोला कि डायरेक्ट तू यहाँ आ जा, मैं तुझे यहाँ से पिक कर लूँगा। अब उसे ढूंढना पड़ेगा कि मुझे वो कहाँ है, तिरछी नक्शों से, मेरे पास तो कैमरा इसी को घुमा के उसे जूम कर लेता हूँ, किधर है बंदा, अच्छा वहाँ छुपा बैठा है। मेरे को पहले उसने बोला था कि मैं जाऊँ लेकिन अभी आया है वो। तूने बोला कि मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, हाँ अभी मैंने देखा, कंटिन्यू चला मेरे क्लास के सीनियर हाँ वो तो भाई कभी भी ना हमारे क्लास के लोग हमको कभी भी पसंद नहीं आते हैं, या फिर सीनियर या फिर जूनियर, ये सब की कहानी है भाई। क्या होता है यार, मैं कट कर दूंगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने एरिया में, अपने एरिया में आने का मजा ही अलग होता है। कहाँ भी जाओ वापस अपने एरिया में आ जाओ, मजा नहीं है तेरा अपने एरिया। कौन बोला, मैं बोला, अपना ब्लॉगर बोला, छोटू प्रजापति। सो गाइस तुरंत ये शॉट कैसा है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं शॉट ले रहा था, मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब भी शॉट लेता हूँ कोई ना कोई कॉल कर देता, तो किसी ने कॉल किया वो मरगिल्ला विक्की था। विक्की तो मार दो, जब भी शूट कर तो क्यों कॉल करता है यार, ये भी सही है कि तुझे क्या पता कि मैं कब शूट कर रहा हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो आ चुके हैं अभिषेक के यहाँ, अभिषेक गया बैग रख के फेंक के आगे, बैग फेंक के आगे रख के नहीं आया तभी उसको कुछ लेना है तो वो ले लेते हैं। चल ब्रो कहाँ जाना, गाड़ी चाहिए, वाह गाड़ी के लिए हाथ पहले आ जाएगा ना, हाँ गाड़ी लेके मैं चला जाऊँ, क्या बात करते हो पांडे जी। तो अभी हो चुके हैं 3:30 इन द इवनिंग आफ्टरनून इवनिंग, जब लोग पैर रखने का वो खोलने के, हाँ यस मूव चलते हो, अच्छा ज्ञान दो अच्छा इंसान बनो, कुछ तो बचा, बुरा ज्ञान दो पॉपुलर बनो। तो अभिषेक को कुछ घर के लिए सामान ले रहा था, सब्जी वब्जी एंड दाल वाल कुछ लेना था, एंड मैं तो बैठा हूँ
एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ वो लोग, ये तो आप लोगों को पता ही है यार। अब नहीं, अब थोड़ा ठीक है, अभी ठीक है यार। धूप में निकल के अभी छाँव में आया तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन ठंडा ठंडा लग रहा है, वो ठंडी भी लग रही है क्योंकि छाँव में बैठे हैं और ठंडी हवा है, क्योंकि सुबह से कोहरा कोहरा ही रहता है उसकी वजह से। और ठीक है, सच में चल भाई, कुछ तो फायदा हुआ इसको उठाने का, वरना मैं सोचा ऐसे ही चला जाऊँगा घर। चलो आगे, कहाँ वहाँ खड़ा करो। सेठ तो ऐसे बैठे, दुकान भी उसी की है। जल्दी तुरंत आने का। तो गाइस अभी आए पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे ही घर चला जाऊंगा, लेकिन क्या करें, मेरे अभी मेरे दोस्त अभिषेक का दिल इतना बड़ा है ना, कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। अरे जिंदा है, आप सुनाई दिया हुआ इसको कहीं तो देखे ला है, इसको कहीं तो देखे ला है ब्रो, किसी वीडियो में देखा हूँ इनको मैं, कौन सी वीडियो में। पानी पूरी वाले बोल रहे हैं, राइस अभी खाते हैं। कौन सा ब्रो, सूखा या गीला भाई? सूखा लगा दे प्लेट को। तो भाई सूखा खाते हैं इस बार, उस टाइम हम लोग गीला खाते हैं। तो गाइस बड़े बड़े आदमी इनके यहाँ कटोरा लेके बैठ खड़े रहते हैं। ये ले नहीं तो ये ले नहीं दिए दूंगा ब्रो, दे दे, मैं किसी चीज का मना नहीं करता। देख ये प्लेट दिए, अपने अपने जैसे प्लेट दिए, ऊपर रखते हैं नीचे सिंक करते हैं। चीयर्स। क्या निकला ब्रो? आधा नीचे चला गया भाई, गिलास से पीऊंगा। अच्छा खासा इसको दिया था वो पीने के लिए, फिर भी इसने दूसरा लिया, वो भी नीचे से फटा था। पोपट हो गया ब्रो तेरा, पोपट हो गया था। पानी पूरी खाना वाना हो चुका है, बातें बातें भी हो चुकी हैं, एंड हम लोग अपनी आई मीन इसके घर भी आ चुके हैं। भाई अच्छा रोड, अच्छा खासा रोड उधर छोड़ के यहाँ लेके आया, यानी गाड़ी की वाट लगाना चाहता है। हाँ भाई गाड़ी सर्विस को है, सर्विस दे के आ गया, पता है तुझे सर्विस दिया था, हो गया टाइम में दूसरे सर्विस का। चल 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 चल। सो गाइस अभिषेक को तो ड्रॉप दे चुका हूँ, एंड अभी मैं चलता हूँ अपने घर एंड थोड़ा बहुत आराम करूँगा। सो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं यार, इतना ही था इस ब्लॉग के लिए। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, पे डोंट फॉरगेट विद द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू गाइस इन अनदर वन, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा धूप लग रही है यार, ये खत्म करके आई मीन आराम करूँगा। सो बाय, सी यू सून।